वेलकम गाइज, MPMKS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। PNST के एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। सर, हमको PNST JNTST का जो एग्ज़ाम है इसमें 100% सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, 6-7 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है। सो गाइज, आपको क्या करना होगा सिलेक्शन पाने के लिए, चलिए उसी के ऊपर हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे अभी बाद में, पहले आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपके लिए हमने स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रखे, बट आप देखते नहीं हो, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको पहली बात, आपको करना क्या है, सबके पास यूट्यूब है, यूट्यूब आप चलाते हो, ठीक है। यूट्यूब पर आ जाइए, अभी आप यूट्यूब पर ही हो, तो आपको क्या करना होगा, सर्चिंग का जो ऑप्शन है उस पर जाना है। सो गाइज, ये रहा आपका यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर सर्चिंग पे आपको ये सर्च करना है, GK MCQ MK, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि नहीं है, है ना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, ये देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा, और इसके बाद आपको प्लेलिस्ट आपके लिए हमने बना दी है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे आज हम, ये ओपन हो जाएगा इसके GK MCQ MK, और ये हरियाली आपको दिख जाएगी, और ये प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्री नर्सिंग एग्ज़ाम मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके लिए स्पेशल हमने प्रिपेयर किए हैं। सो गाइज, ये देखिए, मानव स्वास्थ्य रोग वाला वीडियो, जनन स्वास्थ्य वाला वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, फिजिक्स के जो सेमी कंडक्टर से आते हैं उनका भी हमने ऐड कर दिया है। मानव प्रजनन से क्वेश्चन आते हैं उसका भी वीडियो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, और पॉलीमर वाला भी वीडियो हमने आपके लिए ऐड कर दिया है, ठीक है। और पॉलीमर से क्वेश्चन बनता है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, और बैक्टीरिया का हमने आपको बता दिया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विटामिन वाला वीडियो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइज, ठीक है। ये भी हमने आपको ऐड कर दिया प्लेलिस्ट में, और यहाँ से आपको ये देखिए, ये वीडियोज आपको इंपॉर्टेंट वाले यहाँ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्री नर्सिंग एग्जाम नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे जो दूसरा चैनल है, और इस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है आपके लिए, ठीक है। एक ये चैनल है आपका, और एक और चैनल है, उसका नाम भी अभी हम आपको बता देते हैं। वहाँ तो आप बहुत कम वीडियो देखते हो, ये गलती आपकी है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है, हाँ वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। अब यहाँ पर आपको JK Lone Job, ठीक है, JK Lone Job सर्च करना होगा, ठीक है। वैसे लिंक हमने नीचे दे दिया, ये भी हमारा ही चैनल है, आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ को वीडियो का ऑप्शन पर आपको जाना है, ठीक है। स्पेशली अब यहाँ पर देखो, यह वीडियो हम शाम को डालते हैं आपके लिए रोजाना, PNST एग्ज़ाम, ठीक है। बॉटनी का हमने वीडियो डाला था, बट व्यूज़ बहुत 2500 के लगभग ही है, ठीक है, जबकि आना चाहिए 7-8 हज़ार के लगभग, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने नहीं देखा, ये उनकी गलती है। ये देखो, ये फिजिक्स का वीडियो हमने डाला, ये भी लगभग 2500 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा। क्या इन्हें कोई सिलेक्शन चाहिए, बाकी वालों को नहीं चाहिए क्या सिलेक्शन, तो गलती आप कर रहे हो फिर। 2500 कोई सिलेक्शन चाहिए क्या। अब ये देखो, काफ़ी सारे वीडियो हम डालते हैं बट आप देखते नहीं हो दूसरे चैनल पर, ठीक है। जितना देखोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनमें से। सो गाइज, ये दोनों चैनलों पे हमने आपको बता दिया, आपके लिए वीडियो हमने यहाँ पर इवनिंग टाइम पे अपलोड कर रखे, बट देखने वाले की संख्या बहुत कम है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये तो वीडियो देखना होगा, ठीक है। दो चैनल हमने आपके लिए बता दिया, और दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, ताकि आप इन वीडियोज़ को देख लो, JK Lone Job चैनल पर हमने जो दे रखे है, ठीक है। अब आप मुझसे बोलेंगे, सर इन वीडियो से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आपके पास ये वीडियो आपने देख लिए 100%, और आपको 11th 12th की अगर 80% भी नॉलेज है ना, ठीक है, 80% टेज का 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उनकी 80% या 70% अगर आपको थोड़ी नॉलेज है उनकी, वैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देख के आओ, नॉलेज तो होगी उनकी, नॉलेज और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे तरीके से आ रहे तो 100% आपका सिलेक्शन है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हम कहाँ से बना रहे हैं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे क्वेश्चन बना रहे, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर आपको वो आते तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, आज भी उसी के बेस पे हम उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आपके PNST एग्जाम में आ रहे हैं। सो गाइज, आज हम फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो जो प्रोसेस हमने बताई थी वो कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आज का देखिए, फिजिक्स बहुत अच्छे क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेज है।
तो यहाँ पर देखिए कि द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र E से त्वरित किया जाता है, दूरी तय करने में इसके द्वारा प्राप्त किया गया वेग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रफ पेज पर आप कर सकते हो, निकालने की कोशिश कीजिए। 11th 12th आप पढ़ के आए हो और हमारे वीडियोज और आपकी एनसीईआरटी की नॉलेज आपका सिलेक्शन पक्का दिलाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के लेवल के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं। इनसे बाहर ना तो हम आपको कम नॉलेज दे रहे हैं, नहीं ज़्यादा, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बताइए, ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा संकेत है PNST एग्जाम में सेक्शन के लिए। कर लिया होगा सबने अपना, लेट मी चेक आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, 2 equal m 1/2, ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, दूरी डी पर स्थित दो आवेश गोले एक दूसरे पर बल एफ लगाते हैं, यदि उन्हें प्राविद्युतांक 1 वाले ध्रुव में डुबो दिया जाता है, उनके बीच लगने वाला सभी स्थितियां एक समान हो, f/2 f/2 f/4 है, बताइए। बताइए गाइस, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका f/2 f/2। अगला, धारिता सी वाले एक संधारित्र पर आवेश क्यों और संग्रहित ऊर्जा W है, यदि आवेश को बढ़कर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगी, बताइए संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, 2W W/2 4W या फिर W/4। कैपेसिटर से क्वेश्चन बनता है 100%, आपका कैपेसिटर हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, है ना, आपका सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर हो गया जिसमें ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है। इसका आंसर बताइए, संग्रहित ऊर्जा होगी, स्टोरेज एनर्जी। रफ पेज का यूज कर सकते हो और आपको रफ पेज दिया जाएगा एग्जाम में न्यूमेरिकल करने के लिए, और न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बेसिकली इसी लेवल के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि 4W। ओके, नेक्स्ट, दो सौ बीस वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस को किसी भी या तो पैरेलल या फिर सीरीज क्रम में जोड़ के कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। ऑप्शन ए कि 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा या फिर 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गाइज, बताइए गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक आवेशित कण b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है जिसकी त्रिज्या r है, तब परिक्रमण की आवृत्ति होगी BQ/2πm या फिर BM/2πQ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव मी आंसर गाइस, रफ पेज का आप सारा ले सकते हो, बायोलॉजिकल आपको पढ़ा दी थी MCQs, ठीक है, और तीन चैनल आपको पता लग ही चुके हैं हमारे, GK MCQs MK JK Lone, और एक जो आप अभी देख रहे हो, जिन्होंने तीनों चैनलों के सारे वीडियो देख लिए और 11th 12th की NCERT की नॉलेज थोड़ी सी भी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
और यहीं से अपना एनालिसिस कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे तो समझो अच्छी बात है, अच्छा संकेत है आपके लिए। कर लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, यानी कि वी क्यू अपॉन टू पाई एम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर की जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पढ़ा है आपने, टीचर काफ़ी पढ़ाते थे होंगे आपको दिशा निकालना, जिन्होंने सीख लिया होगा एक नंबर पक्का, क्योंकि क्वेश्चन बनता है चुंबक वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, तीन चार क्वेश्चन बनते हैं चुंबक से। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। बताइए गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन चुंबक से हमने बनाए। चुंबकीय प्रेरक तत्व का विमीय सूत्र है, द डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड। गाइज, जितने भी फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूले है, क्वेश्चन बनेगा याद रख लेना उनको, और आपको आना भी चाहिए डायमेंशन फॉर्मूले बनाना किसी भी फॉर्मूले का। चुंबकीय प्रेरक तत्व का विमीय सूत्र है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीख लेना अभी टाइम है आपके पास। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एम टी माइनस टू ए माइनस। अगला, चुंबकीय आघूर्ण एम की एक चुंबक अपनी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, इसको 180 डिग्री घुमाने से चुंबक में कितना कार्य करना पड़ेगा। चुंबक से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे गाइस, आप खुद देख लो, इतनी इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ रहे हैं आपके, देख लो। माइनस एम बी, प्लस का एम बी, ज़ीरो या फिर टू एम बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप हो, इसको तो ऐसे कर दोगे आप, और आंसर दीजिए आपकी क्या राय है इसमें, माइनस एम बी होगा या फिर प्लस एम बी होगा या फिर जीरो होगा या फिर टू एम बी होगा, बताइए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लस टू एम बी। अगर आपने ये किया है तो एक नंबर दे लो अपने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू हंड्रेड एम्पियर विद्युत धारा वाई कुंडली में एक किलोहर्ट्ज़ ऊर्जा संरक्षित करने हैं तो कितने प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होगी। 1800 हेनरी, 180 हेनरी, 80 हेनरी, 800 हेनरी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ईमानदार से प्रयत्न कीजिए इसको करने का। कर लिया वो सब ने बेसिकली, इसका राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रप अवश्य साथ में रखना और पेन रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, करना है आपको, ईमानदार से करना ही पड़ेगा। दो तीन दिन बचे आपके एग्ज़ाम को, उससे पहले यहीं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लोगे तो वहाँ 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 180 हेनरी। ठीक है, अगला, अगर आपने भी 180 किया तो एक नंबर आपका पक्का है वहाँ ये इस सवाल से। सौ प्रेरक तत्व होगा, ये प्रेरक तत्व जो है ना आपके, यहाँ से क्वेश्चन 100% इंडिकेटेंस है। सौ आपका जो सौ प्रेरक तत्व एल वाले दो शुद्ध प्रेरक ए दूसरे से दूर समांतर क्रम में जुड़े हुए, तब कुल प्रेरक तत्व होगा। किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में। तो ऑप्शन भी दे रखा है कि टू एल 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 अपॉन टू एल अपॉन फोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल अपॉन टू। अगर आपने भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, एक नंबर दे सकते हो। अगला,
एक कुंडली से संबंध फ्लक्स समीकरण जो यहाँ पर दे रखी है थीटा 32 49 द्वारा प्लस 9 द्वारा दिया जाता है, तब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड उत्पन्न EMF आपको। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4 वोल्ट 3 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। ठीक है, डीसी के लिए आपकी जो एसी यानी कि जो अल्टरनेटर करंट है चैप्टर है आपके फिजिक्स में वो इम्पोर्टेंट है। डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, एसी के लिए प्रतिरोध बताना है आपको, 5 ओम ही रहेगा घटेगा बढ़ेगा शून्य होगा बताओ। बट डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 है तो एसी के लिए प्रतिरोध कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एसी डीसी में तो फर्क पता है ना, दो तरह की लाइटें होती हैं हमारे सभी वर्ल्ड में होती है, वैसे तो हमारे इंडिया में कितनी होती है आपको पता होगा, कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति की दौड़ती है, अलग अलग देशों में अलग अलग आवृत्तियाँ होती है। आई थिंक आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ेगा, ठीक है यानी कि इंक्रीज होगा एसी के लिए, क्लियर। अब आपने अल्टरनेट करेंट पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी की नॉलेज होगी तो बहुत अच्छा सारा मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन वहीं से आते हैं आपके पूरे के पूरे और उसी लेवल के क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझो सिलेक्शन पक्का है सिंपल। वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जल में उसकी फोकस दूरी होगी 30 या फिर 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है 40 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, और हमने आपसे बोल ही रखा है कि फिजिक्स में तो फॉर्मूले मेन चीज है, नोटबुक में नोट कर लेना सारे फॉर्मूले ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ के चले जाओ। निर्वात प्रकाश की तरंग दे रहे 6000 एंगस्ट्रम आवर्तनांक 1.5 वाले कांच में घुसने के बाद तरंग दे रहे क्या होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 4000 6000 9000 15000 बताइए क्या होगी, गिव मी आंसर, अपना अपना ऑप्शन चूज कीजिए ए बी सी या डी, कर लिया होगा रम्य कीजिए पहले तो ईमानदारी से, देखो थोड़ा सा पेन चलाना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा और बस एग्ज़ाम से पहले पहले मेहनत कर लो, इंट्रांस एग्ज़ाम में बस एक बार नंबर अच्छे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मज़े मज़े लाइफ में बाद में, बस आपको कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट, ठीक है इंजॉय करना, फिर थोड़े दिनों का दुख देख लो उसके बाद ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सो कर सब ने किया होगा इतना सुन के, तो इसका राइट ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है। अगला है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो परावर्तन होता है ना प्रकाश जब किसी सरफेस से टकरा कर वापस आता है तो क्या चीज़ परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या परिवर्तन होता है तब तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऑप्शन है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, वेलोसिटी वेग, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, बताइए क्या परिवर्तन नहीं होता है, और याद रखना इस बात को जिंदगी भर काम आएगी। और ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो साइंस के फैन होंगे वो तो कर लेंगे जी बिल्कुल, जिनको दिल से प्यार है साइंस से वो तो इसको करेगा करेगा क्योंकि बचपन से इंटरेस्टेड होता है हमारा साइंस में, तो वो चीज़ें हमको पकड़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 8वीं 9th से ही प्रकाश के बारे में। सो हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना तब देखो तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाती है गाइस, जैसा कि हमने पढ़ा है आयाम भी परिवर्तित हो जाता है, वेग भी हो जाता है, बट एक चीज़ है कि फ्रिक्वेंसी ये परिवर्तित नहीं होती है, ये वही रहती है, ठीक है तो यही आंसर है और क्या, लेट मी चेक, देखिए ऐसे ऐसे होते हैं आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्ती वही की वही रहती है गाइस,
अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के साथ कैसे परिवर्तित होता है, जहां ए और बी एक नियतांक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए गाइस। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। फर्स्ट वाला सही है, आपने भी ये किया होगा तो अपने आप को एक नंबर दे लो। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम प्रकाश का वेग होगा। द क्रिटिकली एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30, द वेलोसिटी इन द मीडियम। किया होगा सबने तो राइट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में क्या संरक्षित रहता है, इंटेंसिटी, एनर्जी, एम्पलीट्यूड या फिर मोमेंटम। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपने देख लिया होगा, लेट मी चेक, चूज कर लिया होगा, देखना नहीं इधर उधर आप चीटिंग करो, चीटिंग नहीं, बस अंदर से आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो लेट मी चेक, किसका राइट ऑप्शन होगा, एनर्जी, ठीक है। जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में क्या संरक्षित रहता है, ऊर्जा, एनर्जी। इसको कीजिए, ये जो आपके लिए क्वेश्चन देर किए द्वारा दर्शाई गई दो तरंगें एक बिंदु पर हस्तक्षेप करती है तो परिणामी तरंग का आयाम लगभग होगा 7.56 या फिर 3.5। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6, ठीक है। दी स्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म की चौड़ाई न्यूनतम होगी, ग्रीन, वायलेट, रेड, येलो। ईमानदार से बताइए गाइस, आपके फ्यूचर का कैरियर का मामला है, बताया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है बैंगनी, ठीक है। अगला, पीले प्रकाश का उपयोग 0.6 mm की स्लिट के साथ एकल स्पिट विवर्तन में किया जाता है, यदि पीले प्रकाश को एक्सरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रक्षेप पैटर्न प्रकट होगा, केंद्रीय अधिकतम संकरी, प्रिज्म की अधिकतम संख्या, प्रिज्म की कम संख्या, कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा, बताइए। ओके, तो आपने चूज किया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा। अगला, एक धातु का कार्यफलन 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल है, जब धातु की सतह को तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रम के प्रकाश से रोशन किया जाता है तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा लगभग होगी। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए। सो गाइज, आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, 1.4 × 10⁻¹⁹ जूल। सबका ये आया होगा, लगभग सबने किया होगा, तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है फिजिक्स में आपके, थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बनते हैं और लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए, लेवल ये रहता है जो आप देख रहे हो। एक समान ऊर्जा के प्रोटोन और अल्पा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या अनुपात होगा, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में कौन सा दृश्य क्षेत्र है? लाइमेन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। इलेवंथ में देखो, हम तभी तो बोल रहे कि जिन्होंने इलेवंथ और ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ रखी है और हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझो सिलेक्शन सिलेक्शन बिल्कुल अभी से 100% श्योर, क्योंकि यही तो आपसे पूछे जाएंगे ना। अभी भी टाइम है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी मिला है इस बार आपको, ठीक है ना। तो आपने किया ही होगा वैसे इलेवंथ ट्वेल्थ कंप्लीट, पूरे नॉलेज लिए होगी उनको। देखो पास होने से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है ना अगर आपको, तब जाके थोड़ा मायने रखती है। और ये क्वेश्चन आ रहे तो समझो आपकी नॉलेज अच्छी है, हम ये समझेंगे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, बट कोई बता नहीं रहा अभी। अब तो आपका एग्ज़ाम ही होने वाला है कुछ दिनों में, एक दो दिन रह गए, तो रिजल्ट में शो हो जाएगा कि किन्होंने कितना पढ़ा है, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणी में कौन सा दृश्य होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बामर। एक बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियॉन का ऊर्जा में, पॉजिट्रॉन का ऊर्जा में। एक बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है? ओके गाइज, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। एक बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। अगला क्वेश्चन, जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सहसंयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। ऑप्शन देख लो आप, डोनर, एक्सेप्टर, स्टिक या फिर एक्सटेंट, यानी कि दाता, ग्राही, नेज, बाहा। जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सहसंयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को कहा जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, नेज। सेमीकंडक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा ही, कई बार आपको बता दिया। एक पीएन संधि की मोटाई का क्रम होता है, देखो ये भी सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर से आया है अर्धचालक से। एक पीएन संधि आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखे तो इससे बड़ी गलती आप क्या करोगे, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। तो एक जिसमें गेट भी आपके एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, उनको देखना है इनपुट कितना आउटपुट कितना किस प्रकार से कंबाइन होते हैं, ठीक है। एक पीएन संधि की मोटाई क्रम होती है 1 सेंटीमीटर, 1 मिमी, 10^-6 मीटर या फिर 10^-12 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10^-6 मीटर। अगला क्वेश्चन, अग्रभ नीति में पीएन संधि डायोड के विगत रोधिका की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है, एक समान रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घटती है जी, डिक्रीज, ठीक है। ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं? उपनिष्ठ विन्यास में, उपनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास में, उपनिष्ठ आधार विन्यास में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, किया होगा आपने बेसिकली सिलेक्ट, ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका उपनिष्ठ संग्राहक विन्यास। एक जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, बताइए, दिष्टकारी में, मॉड्यूलेशन में, खोज में, वोल्टता नियंत्रण में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर से आया। देखो हमने पहले बोल दिया था कि 4-5 क्वेश्चन तो आपके सेमीकंडक्टर से बनते। देखो जो वीडियो पूरा देख रहा है स्टूडेंट, और जिनको एनसीईआरटी की नॉलेज है, सिलेक्शन पक्का समझो। और ये क्वेश्चन अगर ईमानदारी से अगर आपको आ रहे ना, फिर भी आप समझ सकते हो अपने सिलेक्शन पक्का। एक जनरल डायट का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर दीजिए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्टता नियंत्रक में। अगर ये सही किया तो मैंने आपको एक नंबर दो, ठीक है ना। अगर गलत रहा तो आपकी कंडीशन फिर आप देख सकते हो कि आपको 3 से 4 बार वीडियो देखना चाहिए तीनों चैनल के।
तीन चैनल है आपको पता ही चल गया, आप तो जी के एम स्कू जेम के जे के लोन जॉब, इसके अलावा वहाँ पर भी आपको वीडियो मिलता है बट आप देखते नहीं हो, ये आपकी गलती है। फिर आप बोलते हो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वीडियो तो आप देखते नहीं हो फिर बोलते हो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार होता है एक्स तरंगे, गामा तरंगे, प्राबैंगनी या फिर अवरक्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइज। इसका आंसर होगा आपका इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। और जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि सिलेक्शन चाहिए तो उन वीडियोज को भी देखिए आप। इस चैनल के वीडियो आपने नहीं देख रखे हैं, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो, ये कमी है आप में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये चैनल यूट्यूब पे शेयर से आपको मिल जाएगा, लिंक भी दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और वीडियो सेक्शन पे जाइए और ये सारे वीडियो यहाँ से देखिए। देखिए इसी लेवल के क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए काफ़ी सारा उन्होंने देख रखा है, 3000 3500 ने, तो आप भी देखिए जिन्होंने नहीं देख रखा है, क्योंकि सिलेक्शन आपको भी तो चाहिए ना ये वाले वीडियोज़, ठीक है। और एक है आपका बहुत अच्छा ये चैनल, इसमें तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, ये देखो इस पर क्लिक करके ये देख लेना, आप इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अलग से प्रिपेयर करके रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोल रहे थे ना, पॉलीमर विटामिन सब कुछ इसमें मिल जाएगा, और ये विटामिन वाला वीडियो से देखना, लिंक नीचे दे रखा है दोनों चैनलों का, तो जाइए देर किस बात की, सिलेक्शन चाहिए तो।